2 जून 2022 आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक, संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। महसूस करेंगे कि मैं इस शरीर में अवतरित सत्य आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, सत्य बाप की संतान हूँ, शिव बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है, शिव बाबा सत्यता का सागर है और बाबा मेरे अंदर सत्यता की शक्ति भर रहा है। विजुलाइज करेंगे बाबा का आशीर्वाद किरणों के रूप में मेरे अंदर असमाता जा रहा है। मैं अपने सत्य स्वरूप को महसूस कर रहा हूँ, जैसे बाप सत्य और अविनाशी है वैसे मैं आत्मा भी सत्य और अविनाशी हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। मेरा इस ड्रामा में विशेष पार्ट है, मैं हीरो एक्टर हूँ। मेरी विवेक बुद्धि मुझे हर क्षण यथार्थ समझ दे रही है। मेरे बुद्धि में सत्य और असत्य का कॉन्ट्रास्ट हर वक्त रहता है। मैं इस समय युद्ध के मैदान में बाप के साथ स्थित हूँ और मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान हमेशा मेरे साथ है। मैं आत्मा बाबा की छत्र छाया में हूँ, बाबा निरंतर मुझे आशीर्वाद दे रहा है। मेरे ईश्वरीय संस्कार हर क्षण प्रत्यक्ष होते हैं। मैं स्वयं को कभी भी सिद्ध नहीं करती, क्योंकि मुझे महसूसता है कि सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। मेरी बुद्धि स्वच्छ है, पवित्र है, इसलिए मैं माया को यथार्थ रूप में पहचान पाती हूँ कि ये माया का पार्ट है और ये बाबा का पार्ट है। मैं ब्राह्मण कुल भूषण आत्मा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। मैं विश्व की स्टेज पर हूँ और विश्व को सकाश देने के निमित्त हूँ, विश्व का कल्याण करने के निमित्त हूँ। मैंने कल्प कल्प विश्व की सेवा की है, अपकारियों के ऊपर उपकार किया है। हमेशा याद की यात्रा में रहने वाली मैं योगी तू आत्मा हूँ। मैं शांत हूँ, प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत हल्का लग रहा है। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है, बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, बाबा के आंखों से सत्यता की किरणें मेरे अंदर समाते जा रही है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और बाबा मुझे कह रहे हैं कि बच्चे, हमेशा सत्यता की शक्ति के द्वारा अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, तुम्हारी विजय निश्चित है। तुमने सत्यता की शक्ति से पूरे विश्व में कलयुग को सतयुग बनाया है। अपने सत्यता के वाइब्रेशन से सभी आत्माओं को परिवर्तन किया है। तुम अपने अंदर के ईश्वरीय संस्कारों को जागृत करो और हमेशा मेरी छत्र छाया में रहो तो तुम्हारी विजय निश्चित है। बाबा से दृष्टि लेते हुए मैं आत्मा हर्षित हो रही हूँ और बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
अच्छा, ओम शांति।